चलो बच्चों, अब हम अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजों ने हमें वर्षों तक गुलाम रखा, उस अंग्रेजों की भाषा हमें नहीं सीखनी है। बहन जी, अंग्रेजों की भाषा सीखना मतलब अंग्रेजों की मानसिक गुलामी। तुम मुझे बहन जी ना कहो, मैडम कहो। बहन जी शब्द बोलना अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार है। आप कहती है तो मैडम कहेंगे हम, लेकिन मिंटू को मैडम बोलना नहीं आता। ठीक है, मैं सिखा देती हूँ। बोलो मैडम, बोलो मैडम, सिर्फ मैडम, सिर्फ मैडम। तुम रहने दो चिंटू, तुम बोलो जी मैडम। मैडम, चिंटू को मैडम बोलना नहीं आता, इसलिए उसको मत बुलवाइए। वो ड को ट बोलता है। चिंटू बोलो जी मैडम, मैडम। हाँ? मैंने आपसे कहा था ना कि चिंटू को मत बुलवाइए मैडम। कुछ लोग पश्चिम को पश्चिम बोलते हैं, इस तरह चिंटू मैडम को मैडम बोलता है। वो सब बकवास रहने दो, अब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन मैडम, अंग्रेजी हम कैसे पढ़े? जो भाषा में पिनी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। पिनी को लेडीज फिंगर कहता है, अर्थात स्त्रियों की उंगलियां कहता है। उस भाषा को हम कैसे पढ़े? सूर्य और पुत्र दोनों का उच्चारण सन होता है, दोनों का एक समान ही उच्चारण होता है। तो हमें कैसे पता चले कि कोई सन बोल रहा है? तो किस बारे में बोल रहा है, सूर्य के बारे में या पुत्र के बारे में? अगर ब्यूटी बट होता है तो प्यूटी पुट क्यों होता है? बट होना चाहिए ना। प्यूटी पुट होता है तो ब्यूटी बुट होना चाहिए।